हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि आपके कॉलेज की फ़ीस क्या है, आपके हॉस्टल की फ़ीस क्या है, मैश का क्या चार्ज रहता है। और हर ईयर यही फ़ीस रहती है, मींस फर्स्ट ईयर में भी फ़ीस जो है वही सेकंड ईयर में रहती है या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक, और कैटेगरी वाइज क्या फ़ीस में डिफरेंस आता है। इन सभी क्वेश्चंस को आज मैं आंसर करने वाली हूँ। ओके, तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। माय नेम इज समीक्षा दक्ष, MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं, उत्तर प्रदेश। सो आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस के बारे में देखेंगे, ठीक है। और मैं अपने मेडिकल कॉलेज की फ़ीस का एक एक मीन्स हॉस्टल फ़ीस और मैश की फ़ीस, बाकी सारा एलेबोरेट मैं अपने कॉलेज का करूँगी, ठीक है। और बाकी अदर जो कॉलेजेस हैं मैंने उनकी लिस्ट बना के उनकी सभी की फ़ीस लिखी हुई है, तो वो भी आप देख लेना। उसको मैं PDF फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, तो बाद में आप सभी मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस एक लिस्ट के फॉर्म में लिखी हुई है तो वो देख लेना, ठीक है। तो पहले देखो ऐसा क्या होता है कि आप हम देखने वाले हैं आज हमारा टॉपिक क्या है कि फीस ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ UP। तो अगर आपने नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है और उसकी कट ऑफ क्लियर कर ली है, तो डेफिनेटली अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो फीस से रिलेटेड तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, है ना। क्योंकि जो आपकी फ़ीस है उसका वही फ़ीस आपकी स्कॉलरशिप के थ्रू वापस भी आ जाती है। आप मेनली क्या रहता है, देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या होता है कि हमारे पास क्या लगेगा, ट्यूशन फ़ीस लगती है, ठीक है। ट्यूशन फीस जो हमारी यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं वो सब फीस होती है, देन मीन्स ट्यूशन फीस हो गई, ठीक। उसके बाद हम हॉस्टल की फीस भी देते हैं, हॉस्टल की फीस और कॉशन मनी भी दिया जाता है। एक्चुअली कॉशन मनी वो फीस रहती है हमारी जो कि एक ही बार देनी होती है, मींस जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तब आपका कॉशन मनी सबमिट होता है, जो कि क्या होता है 10,000 होता है। मैक्सिमम कॉलेजेस में तो 10,000 ही है, तो आपको फर्स्ट ईयर में देना है। देन उसके बाद आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कहीं नहीं देना होता, जो 10,000 आपके डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको रिटर्न भी कर दिया जाएगा, है ना। और हम ये इसलिए देते हैं जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में कोई भी कॉलेज की प्रॉपर्टी को कुछ भी हार्म करता है तो वो जो 10,000 आपने सबमिट किया है एज अ कॉशन मनी उसमें से डिडक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप कॉलेज की प्रॉपर्टी को कुछ भी हार्म नहीं कर रहे हो तो आपके पूरे 10,000 आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब रहता है। तो मैंने पहले अदर कॉलेजेस का देख लो, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस का लिखा हुआ है। जैसे कि KGMU में आप देख सकते हैं 54,600 फीस है पर ईयर, है ना। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की फीस है पर ईयर 54,600। अब ये जो फीस है वो क्या है, फर्स्ट ईयर की फीस है। ये सभी मेडिकल कॉलेजेस की, जैसे KGMU की 54,600, RML लखनऊ की 18,000 है, GSVM कानपुर 36,000, MLN प्रयागराज 36,000, LLRM मेरठ 30,000, GIMS नोएडा 83,600, SNMC आगरा 36,000, BRD गोरखपुर 42,000, ओके MLB झांसी 42,000, सैफई मेडिकल कॉलेज 42,000, GMC कन्नौज 26,000, और यहाँ पे GMC सहारनपुर 36,000, GMC अंबेडकर 26,000, GMC जालौन 40,800, GMC आजमगढ़ 42,000। तो इसी तरीके से आप आगे देख सकते हो, बांदा GMC बांदा में 42,000 है, GMC बदायूं मेरे कॉलेज में 36,000 फीस है, है ना। ऐसी अयोध्या, ये ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेस हैं, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज इन सब की फीस यही 36,000 है। बाकी ये ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज जो शाहजहाँपुर है उसमें 40,800 है, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉलेजेस में अगर आप देखो तो 36,000 वाली फीस ज़्यादा है ना। तो आप सभी मेडिकल कॉलेजेस की फीस आराम से देख लेना। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। बात ये है कि अब मैं आपको अपने कॉलेज की फीस को एलेबोरेट करके बताती हूँ, ठीक है।
तो चलो देखते हैं। तो अल्टीमेटली मैं बताने वाली हूँ कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं की क्या फीस है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ट्यूशन फीस हमें सबमिट करनी होती है। तो जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो क्या होता है, आप तो जब फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको 36,000 फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ये 36,000 फीस है, ठीक है। इस 36,000 में आपकी ट्यूशन फीस और कॉशन मनी दोनों इन्वॉल्व रहता है। कॉशन मनी जो आप सबमिट करते हो, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो ट्यूशन फीस कितनी हो गई, ट्यूशन फीस हमारी हो गई 26,000, ठीक है। तो ये 26,000 फीस हो गई। अब ये जो 36,000 फीस थी, ये फीस आपको फर्स्ट ईयर में सबमिट करोगे, और मैंने बोला कि कॉशन फीस जो है वो फर्स्ट ईयर के बाद आगे सबमिट नहीं करनी होती है। यानी कि सेकेंड ईयर से आपकी फीस क्या हो गई, 26,000, तो बहुत ही कम हो गया। और जो भी अगर आप स्कॉलरशिप लेते हैं तो आप, मतलब अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब वगैरह में नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो ये फीस भी आपकी ट्यूशन फीस रिटर्न आ जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो 36,000 फीस है, ये भी आपकी, ये जो 36,000 फीस है, ये फीस भी जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो OBC, SC, ST, इन लोगों के लिए क्या है, इनके लिए जो फीस है दैट इज 27,000 विद ट्यूशन फीस एंड विद कॉशन मनी। इसका मतलब सेकेंड ईयर से ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ 17,000 फीस सबमिट करनी होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको। तो ट्यूशन फीस जो है वो जनरल और हमारी जनरल कैटेगरी और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो कैटेगरी वाइज भी डिफरेंस है यहाँ पे, ये सभी कॉलेजेस में है, ठीक है, आप देख सकते हो। और 10,000 फीस जो है वो आपकी कम हो जाएगी जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आओगे, ठीक है। उसके बाद हमने ट्यूशन फीस और कॉशन मनी देख लिया। अब मेरे कॉलेज की मीन्स GMC बदायूं की जो हॉस्टल फीस है दैट इज 40, जो मेरे कॉलेज की फीस है दैट इज 4800 पर ईयर। अब तुम समझ रहे हो 4800 रुपीज पर ईयर, यानी कि ये हो गया कि 4800 रुपीज हम जब एक ईयर के दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 400 रुपीज जो हो गए वो पर मंथ हो गए, 400 रुपीज पर मंथ, ये हमारा हॉस्टल की फीस चल रही है, हॉस्टल फीस। तो 400 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मेरा पड़ता है 13.33 रुपीज पर डे। इतना एक्सपेंस आता है मेरा एक दिन का। इस 13.33 रुपीज के अंदर मेरा यहाँ पे रूम का रेंट जो है वो, और यहाँ का वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसके लिए मुझे एक दिन का 13 रुपए देना पड़ता है, बस इतनी फीस है। और देखो बहुत ज़्यादा फीस है ना, 13 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग, तुम्हें एक इतना सही सा रूम मिल रहा है और उसके बाद उसमें वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इसका तुम्हें 13 रुपीज पर डे देना पड़ता है। तो देख लो तुम गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी ज़्यादा महंगी है ना। तो इसलिए अगर तुमने नीट का एग्जाम निकाल लिया है तो फीस से रिलेटेड टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि मैश की फीस क्या है। मैश हर कॉलेज में प्राइवेट होता है, तो मैश की फीस इस तरह से इतनी कम नहीं आएगी क्योंकि मैश प्राइवेट रहता है। तो हमारे कॉलेज की जो मैश की फीस है दैट इज 3,000 पर मंथ, है ना, 3,000 रुपीज पर मंथ है हमारे कॉलेज की मैश की फीस, ठीक है। तो ये जो फीस है मैश की वो अलग अलग रहती है, ओके। तो अलग अलग मैश में जाओगे मींस, यानी कि अलग अलग कॉलेजेस की मैश की फीस अलग रहती है, ठीक है। तो आई थिंक सारे फीस से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये PDF आप लोग मेरे जाके टेलीग्राम चैनल से ले लेना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, ओके। सो लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।